नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शादी समारोह में नशे में झूमते हुए कर डाली फायरिंग, पुलिस ने युवक को हवालात पहुंचाया। पतरी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में तमंचे से फायरिंग करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवक को दबोच लिया, साथ ही सलाखों के पीछे भेज दिया है। बकरीद के लिए सजा हल्द्वानी का बाजार, कुर्बानी के लिए यूपी राजस्थान से आए बकरे, सुल्तान की बेस प्राइस 1 लाख। हल्द्वानी के बाजार बकरीद के लिए सजे हुए, यहाँ यूपी और राजस्थान से बिकने के लिए बकरे लाए गए हैं। इन बकरों की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की है। राज्य कर विभाग श्रीनगर के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, डिपार्टमेंट ने बताया बेबुनियाद आरोप। श्रीनगर के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने राज्य कर विभाग श्रीनगर डिवीजन के 2 अधिकारियों पर सरकार को GST के जरिए भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ आरोपों को व्यापार सभा और डिपार्टमेंट ने निराधार बताया है। मुख्यमंत्री की घोषणा 4 महीने में पूरी, नैकरी में स्टेट यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के लिए GO जारी। देवप्रयाग विधानसभा के छात्र को मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल शासन ने श्रीदेव सुमन राज्य विश्वविद्यालय का नैकरी में नया कैंपस खोले जाने को लेकर GO जारी किया है, जिससे छात्रों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस खोले जाने से PhD तक करने का मौका मिलेगा। बागेश्वर में भाजपा किसान मोर्चा का महाजनसंपर्क अभियान, निकाली ट्रैक्टर और बाइक रैली। बागेश्वर में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत ट्रैक्टर और बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली स्टेशन रोड से होते हुए पार्टी कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान नगर भर में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रभारी कमल मुनी और प्रदेश मंत्री राजेंद्र परिहार ने बताया कि मोदी सरकार किसानों को 80% सब्सिडी में उपकरण उपलब्ध करवा रही है। किसान सम्मान निधि से भी किसानों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष भगवान भंडारी ने बताया कि मोदी सरकार ने लगातार किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के लिए गांव-गांव नहर पहुंचाने का काम किया है। किसानों को उन्नत बीज भी लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों की सरकार बताया। वित्त सेवा के अधिकारी अमित जैन को लगा झटका, शासन ने वापस ली सभी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में तमाम विवादों में रहने वाले आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को तगड़ा झटका लगा है। शासन ने अमित जैन से नगर निगम और आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के रूप में मिली जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। इन जिम्मेदारियों से हटाए जाने के बाद फिलहाल अमित जैन कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में संबद्ध रहेंगे। कौशल विकास में प्रशिक्षण के नाम पर घोटाले का आरोप, RTI कार्यकर्ता विकी खान का खुलासा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है। RTI कार्यकर्ता विकी खान ने मामले का खुलासा करते हुए करीब 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। उधर मामले में कौशल विकास योजना के निदेशक संजय कुमार खेतवाल ने सभी आरोपों को भ्रामक बताया। साथ ही विकी खान पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए खर्च और प्रशिक्षण का ब्यौरा भी साझा किया है। डांस फ्लोर पर लहराई पिस्टल, मस्ती में की हवाई फायरिंग, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन्हें सोशल मीडिया पर छाने का नशा युवाओं में इस कदर बढ़ रहा है कि आए दिन रील्स बनाते हुए अवैध हथियार को लहराने से भी गुरेज नहीं कर रहे। पुलिस ने ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक शादी समारोह में डांस फ्लोर पर तमंचा लहराता नजर आ रहा है। 14 जुलाई से देहरादून में आयोजित होगा स्वास्थ्य चिंतन शिविर, PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। जल्दी उत्तराखंड में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में 14 जुलाई से शुरू होने वाले स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन PM मोदी कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, CM धाम ने श्रद्धालुओं से की ये अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद भी चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। हालांकि प्री मानसून के दस्तक के बाद चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई थी, लेकिन मानसून आने के बाद भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर यात्रा शुरू करने की अपील की है। सतपाल महाराज के क्षेत्र में जाने से अधिकारियों ने काटी कन्नी, BDC की बैठक में नहीं पहुंचा एक भी अधिकारी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर अब जिला स्तरीय अधिकारी भी गंभीर नहीं है, इस बात की पोल पोखड़ा ब्लॉक में आयोजित BDC की बैठक में खुल गई है। दरअसल मीटिंग में एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया और जनप्रतिनिधियों ने निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी शिकायत DM से की। ससुराल वाले दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित, पति के दोस्त रखते हैं बुरी नजर, महिला ने दी पुलिस को तहरीर। एक वारदात ने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस क्षेत्र अधिकारी से की है। पुलिस को दी गई तहरीर में पति और सास पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। बकरीद 2023, देहरादून में सजा बकरों का बाजार, सबसे महंगा बिका सुल्तान, पुलिस के चप्पे चप्पे पर नजर। बकरीद को लेकर राज्य में मंडियां सरकार तैयार है। मंडियों में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के व्यापारी बकरों को बेचने के लिए आए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस त्यौहार को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की और सभी थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए खुल रहे रोजगार के अवसर, 71 संस्थानों के 2,280 छात्रों को मिला कैंपस प्लेसमेंट।
प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत अंधे मंच के छात्रों को पास आउट होने से पहले रोजगार मिल गया है। उत्तराखंड के 71 राजकीय व 1 अशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 3,558 छात्र छात्र अंधे मंच में अध्ययनरत है, जिसमें से 2,280 को प्लेसमेंट मिल चुका है। छात्रों को यह प्लेसमेंट रोजगार मेले, संस्थागत व ऑनलाइन प्लेसमेंट के माध्यम से मिला है। लक्सर में टेम्पो और कार की भिड़ंत, 6 लोग घायल। सुल्तानपुर क्षेत्र में लक्सर हरिद्वार रोड पर जसौदपुर की पुलिया के पास कार और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सुल्तानपुर के नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए घायलों को हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया है। केदारनाथ में बिछड़ गई थी कानपुर की बुजुर्ग महिला, पुलिस ने परिजनों से मिलाया तो निकले आंसू। केदारनाथ धाम में आ रहे तीर्थयात्री अपने परिजनों से बिछड़ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की मदद से यात्रियों की खोज की जा रही है। साथ ही कई तीर्थयात्री अपना सामान जहां तहां खो दे रहे हैं, उनकी भी मदद के लिए पुलिस जवान तत्पर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने परिवार से बिछड़ी बुजुर्ग महिला को परिजनों से मिलवाया, जिससे उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। पौड़ी जिले में लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू, लेटेस्ट गरुड़ ऐप से रूबरू होंगे चुनाव अधिकारी। पौड़ी जिला प्रशासन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए सबसे पहले जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर अधिकारी वोटर लिस्ट को सही करेंगे। इसके साथ ही सभी चुनाव अधिकारी गरुड़ ऐप से रूबरू होंगे। कैश द रेन, मानसून सीजन को लेकर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। कैश द रेन योजना के लिए दिए टारगेट, मॉनसून सीजन आ गया है तो कैश द रेन योजना पर भी काम होने लगा है। मुख्य सचिव संधू ने संबंधित विभागों समेत जिलाधिकारियों को समीक्षा बैठक में नए टारगेट दिए हैं। मॉनसून सीजन से जुड़े विभागों को चाल खाल एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि के संबंध में कार्य योजना भी मांगी गई है। जौनसार बावन में हुई टमाटर की बंपर पैदावार, मंडी में बिक रहा 60 रुपए किलो, रसोई पर पड़ रहा भारी। इस बार जौनसार बावन में टमाटर की बंपर पैदावार हुई है। किसानों को मंडी में टमाटर के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मंडी में 80 रुपए किलो बिक रहे टमाटर ने आम गृहिणी की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। करण महारा बोले, दून स्मार्ट सिटी के नाम पर 1537 करोड़ रुपए किए गए खुर्दबोर्द, डबल इंजन लाया बर्बादी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार राज्य की अनदेखी कर रही है। सीबीआई कोर्ट नोटिस, स्टिंग प्रकरण में हरीश रावत बोले, सीबीआई से नहीं डरते, जब बुलाएंगे हाजिर होंगे, बीजेपी को उल्टा कर देंगे। स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में सीबीआई कोर्ट द्वारा हरीश रावत समेत 4 लोगों को नोटिस पर हरदा की प्रतिक्रिया आई है। हरीश रावत ने कहा कि सीबीआई और उनके जैसे दूसरे भाई बंधु जब भी बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि मौका पड़ने पर हम बीजेपी को उल्टा कर देंगे। गदरपुर में गुलाब ब्रांड के नकली देशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का मारना फोड़, 30 लाख का माल बरामद, आबकारी की चिट भी मिली। एसओजी और उधमसिंह नगर पुलिस ने नकली देशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का मारना फोड़ किया। टीम ने मौके से भारी मात्रा में देशी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री का मालिक फरार चल रहा है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी है। उत्तराखंड उद्यान विभाग में घोटाले मामले में सुनवाई, नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा ये सवाल। उत्तराखंड उद्यान विभाग ने कथित घोटाले के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सीबीआई से पूछा है कि क्या यह मामला सीबीआई की जांच योग्य है या नहीं। इस पर अपनी रिपोर्ट 18 जुलाई तक कोर्ट में पेश करे। साथ ही कोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल के कार्यालय की ओर से की गई खरीद और बिक्री के सभी दस्तावेजों को सील करने के आदेश भी दिए हैं। CCTNS में उत्तराखंड पुलिस को देश में तीसरा और पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान मिला। जानिए क्या है ये सिस्टम। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड में सभी पहाड़ी राज्यों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश की बात की जाए तो भारत में उत्तराखंड पुलिस को तीसरा स्थान मिला है। बद्रीनाथ में बकरीद नहीं, बद्रीनाथ धाम में इस साल नहीं मनाई जाएगी बकरीद, जाने वजह। बद्रीनाथ धाम में इस साल बकरीद नहीं मनाई जाएगी, ना ही ईद उल अजहा त्योहार के मौके पर नमाज अदा की जाएगी। दरअसल ये निर्णय थाना बद्रीनाथ में मुस्लिम समुदाय और हिंदू संगठनों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। देहरादून वन प्रभाग में हुए कई कर्मचारियों के तबादले, 11-11 साल से एक ही जगह जमे थे कर्मचारी। देहरादून वन प्रभाग में कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। कई कर्मचारी पिछले 11-11 साल से एक ही जगह पर जमे हुए थे। प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि मंत्री ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में बन रही फर्जी तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। राज्य में फर्जी तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाकर वाहनों में लगाई जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मामला संज्ञान में आने के बाद राज्य के परिवहन विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 10 साल से लोकायुक्त नहीं, दफ्तर पर करोड़ों रुपए खर्च, अब 56 दिनों में लोकायुक्त बनाने का दबाव। 10 साल से बिना लोकायुक्त के दफ्तर चल रहा है, इस पर सरकार अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता से सरकार गठन के 100 दिन में लोकायुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी लोकायुक्त का कुछ अता पता नहीं है।
लोकसभा इलेक्शन। हरक सिंह रावत ने कही मन की बात, इशारों में पूर्व सीएम हरीश रावत पर कसे तंज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आजकल अपने बयानों को लेकर फिर चर्चाओं में है। इस बार उन्होंने फिर से हरिद्वार में लोस का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने तो कहा भी नहीं है कि वह कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने मन की बात सबके सामने रख दी है। केदारनाथ हेली सर्विस। हेली सेवा के लिए आज से बुकिंग 30 जून से 7 जुलाई के बीच के लिए खोली गई टिकट विंडो। केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुधवार को टिकटों की बुकिंग होगी। IRCTC के माध्यम से ये बुकिंग की जाएगी, जिसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। IRCTC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक आगामी 30 जून से 7 जुलाई के बीच की अवधि में जो भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए टिकट विंडो खोली जा रही है। शिक्षकों के तबादले, समायोजन के नाम पर खेल, कहीं 19 बच्चों के लिए 4 विज्ञान शिक्षक, कहीं पर 30 पर 1। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले और समायोजन के नाम पर जमकर खेल हुआ है। डोईवाला ब्लॉक के जिस स्कूल में 19 बच्चों पर 3 शिक्षक पहले से हैं, उस स्कूल में एक अन्य शिक्षिका का तबादला कर दिया गया है। इससे एक स्कूल में विज्ञान पद के लिए प्रति अब 3 शिक्षक हो गए हैं। वे चक्राता ब्लॉक के 30 छात्र संख्या वाला स्कूल पिछले 3 साल से एकल शिक्षक के भरोसे है। अगले महीने से मिलेगी JEE और NEET की मुफ्त कोचिंग। शुरुआत में 5 जिलों के छात्रों को मिलेगा मौका। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अगले महीने से JEE और NEET की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। शुरुआत में 5 जिलों के 40 छात्र छात्राओं को यह कोचिंग दी जाएगी। मंगलवार को इसे लेकर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। वाहनों की फर्जी RC तैयार कर बैंक को लगाया लाखों का चूना। 6 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में फर्जी तरीके से वाहनों की RC और अन्य कागज बनाकर बैंकों से लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 अन्य लोग फरार चल रहे हैं। आरोपी अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को करीब 78 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसके अलावा अन्य बैंकों से भी लोन लेने की बात सामने आई है। सोमेश्वर के मोहन चंद्र भटकी चमकी किस्मत, ड्रीम 11 में जीते 1 करोड़ रुपए। कहते हैं कि किस्मत का बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे को सोमेश्वर के भयानक हादसा के मोहन चंद्र भट्ट के साथ भी हुआ। मोहन चंद्र भट्ट ने ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। एकाएक करोड़पति बनने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।